हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकॉर्डिंग टू लर्न एंड फन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉल स्पैन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉल स्पैन की फंक्शनलिटीज़ को, आज मैं और थोड़ा सा एक लेक्चर एक देने वाला हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि कॉल स्पैन एक्चुअली किस तरह से और किया जाता है, उसके ऊपर काम किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सी दिस फिगर हियर। यहाँ पे एक ड्राइंग मैंने बनाया है, ये एक टेबल है, हमें इस टेबल को क्रिएट करना है। ओके, अब इस टेबल की खासियत क्या है कि यहाँ पे चार रो है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और ये चार रो के अंदर बीच में ये जो दो रो है, जैसे कि मैं इसे सेकेंड नंबर एंड ये फोर्थ नंबर, ये दो रो के अंदर चार कॉलम है, बाकी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है। सो हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से करना है आइए देखते हैं। सिंपल है, अगर आपका लॉजिक क्लियर है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आप आराम से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका आउटपुट आपको आपके हिसाब से मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन HTML। सो मैंने यहाँ पे एक HTML स्ट्रक्चर रेडी करके रख दिया है, उसे ओपन करते हैं नोटपैड के हेल्प से। सी, ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, जस्ट एक HTML स्ट्रक्चर है। यहाँ पे टाइटल में डाला है प्रैक्टिस कॉल स्पैन एंड बॉडी अलाइन इक्वल टू सेंटर किया हुआ है, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे हम टेबल ओपन करेंगे। टेबल ये ओपन हो गया है, टेबल को क्लोज भी करेंगे। सी, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैं ये पिक्चर यहाँ पे सामने रखता हूँ सो दैट हम उसको देखते हुए यहाँ पे चेंजेस कर सके। फाइन, सो यहाँ पे हमें चार रो चाहिए। तो रो किस तरह से लाना है, TR, ओके, TR ओपन एंड TR क्लोज, ये एक रो बन गया है हमारा, TR ओपन, TR क्लोज। अभी ये एक रो है, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो। सिंपल, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रैक्टिस अगर सही है, तो इन वन शॉट विदाउट एनी मिस्टेक आप कर सकते हैं। ओके, मिस्टेक तो मुझसे भी होती है, मिस्टेक इज पार्ट ऑफ लाइफ, होनी चाहिए, बट सीखना ज़रूरी है, प्रॉपरली ढंग से अच्छी तरह से सीखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो ये पार्ट है, सेकेंड वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कलर डाल देता हूँ, तो आपको डिफ्रेंसिएशन समझे। सी, दिस इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रो जो पूरा कंप्लीटली खाली है, हम वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। ओके, इनपुट हम डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, देन यहाँ पे चार कॉलम है सेकेंड वाले में, तो हम यहाँ पे सेकेंड वाले में आ गए हैं और सेकेंड वाले में हम चार TD ओपन करेंगे। ओके, TD ओपन एंड TD क्लोज। ओके, ये एक TD हो गया, सेकेंड TD, थर्ड TD, वन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, हमारी चार रो यहाँ पे, चार कॉलम यहाँ पे हो गई है। अभी थर्ड वाले में ही खाली है, दिस इज थर्ड वाला रो जो पूरा खाली है,
हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। अभी फोर्थ वाले में जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, या तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ चार टीडी को एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए भी एक टीडी ओपन करेंगे। फर्स्ट रो के लिए एक टीडी ओपन करेंगे क्योंकि वहाँ पे कॉलम नहीं है बट एक सिंगल कॉलम है, दैट इज सिंगल टीडी। ओके, एंड थर्ड वाला जो है यहाँ पर हम एक कॉलम डालेंगे। ओके, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज मर्ज, यू गेटिंग मी? सी, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये एक मर्ज कॉलम है चारों के साथ, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करता है ना, सेल जो है ना वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, वो हमारा कमांड नहीं समझता, तो हमें उसको एक्चुअली बताना पड़ता है कि ये जो चार कॉलम है, सी 1 2 3 4, ये चारों को एक साथ ले लो। जैसे कि यहां पर एक्सेल के अंदर हम देखते हैं सेल मर्जिंग, सी यहां पर मैं कुछ टाइप करता हूं। ओके, यहां पे मैंने कुछ टाइप किया है एंड ये पर्टिकुलर चीज जो है वो एक ही सेल के अंदर आ रहा है, बट आई वांट टू मर्ज इट विथ हियर। तो हम कैसे करेंगे, अब ये सेल ये एक ही पार्ट है राइट, तो मैं उसे मर्ज करना चाहता हूँ बाजू वाले के साथ भी, तो मैं इसे मर्ज सेल करूँगा, तो ये पार्ट एक हो गया। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं और चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर भी इसे मर्ज करूँ, तो मैं और मर्ज करूँगा। सी, ये पूरा एक सेल हो गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि और मैं उसे बढ़ाऊँ, तो मैं यहाँ पर और बढ़ाऊँगा, तो ये सेल जो है ना वो मर्ज होती जा रही है। गेटिंग मी? ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, वो सेल जो है वो अपना कैलकुलेशन वो यहाँ पर से ये पर्टिकुलर एक सेल है, दिस इज वन सेल, टू सेल, थ्री सेल, फोर सेल, वो चारों सेल को हमें एक साथ करना है, मर्ज करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा कि हमने यहाँ पे ये सेल को, ये सेल को, ये सेल को, ये सेल को हमने मर्ज किया है। अब ये चारों सेल को हम एक साथ मर्ज करेंगे, पांच सेल भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। से हमने पांच सेल को हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं अभी यहाँ पे, सी बराबर। अगर मैं फिलअप है, होप आपको ये पर्टिकुलर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अपने समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेल को मैं कलर कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर सेल को यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, बट मर्ज नहीं है। ओके, तो मर्ज करने के लिए हमें उसे सिलेक्ट करके मर्ज करना पड़ता है, सिस्टम को बताना पड़ता है दैट दिस पर्टिकुलर फोर और थ्री या टू सेल्स आर मर्ज इनटू वन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम मर्ज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे टैग के अंदर उसका अलाइनमेंट, उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे, टीडी के अंदर कॉल स्पैन जो है वो मर्ज के लिए यूज किया जाता है। ओके, कॉल स्पैन इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या फिगर डालनी है, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 3 4, बिकॉज यहाँ पे 4 है, सी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो उसके लिए हम 4 टाइप करेंगे।
कितनी सेल आपको मर्ज करनी है, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अभी समझिए कि मुझे यहाँ पे तीन भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट हमने ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो बनाया है इसे, तो यहाँ पर मैंने बोला है कि मुझे ये पर्टिकुलर जो है, ये पर्टिकुलर सेल जो है और ये जो सेल है वो मुझे मर्ज चाहिए चारों के साथ। ओके, सो यहाँ पे हम डालेंगे चार। यही कॉल्स पेन को हम यहाँ से लेके कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे कॉल्स पेन फोर। ओके, बाकी में तो कुछ है नहीं, मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एंड थर्ड को, ये सेकंड वाला हो गया एंड ये फोर्थ वाला हो गया, सेकंड एंड फोर्थ को मर्ज करने की, सॉरी आई मीन टू से दैट यस, सेकंड एंड फोर्थ को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकंड एंड फोर्थ को मर्ज नहीं करना। अभी यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा उसका आउटपुट देख लेते हैं। फाइल सेव एंड सी, यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं आया है। ओके, क्यों नहीं आया? क्योंकि ना ही हमने बॉर्डर दिया है, ना ही हमने अंदर कुछ कंटेंट डाला हुआ है। सो हम पहले बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर इक्वल टू थ्री। ओके, बॉर्डर इक्वल टू थ्री, सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सी, ओके, सो सी किस तरह से हमारा आउटपुट, देखिए विदाउट एनी कंटेंट हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है। फाइन, सो यहाँ पे फर्स्ट रो जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो फर्स्ट रो में हम क्या डालेंगे, मैं डाल रहा हूँ मुंबई। ओके, एंड जो थर्ड वाली रो है यहाँ पर, यहाँ पे हम डालेंगे दिल्ली। बाकी जो, ओके, इसे सेव कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, सी दिस आउटपुट हाउ इट इज कमिंग, मुंबई दिल्ली। एंड बाकी जो चार रो है वो नहीं आ रहा है, सी, क्योंकि अंदर कुछ हमने इंग्रेडिएंट नहीं डाला। सी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, होप यू आर गेटिंग मी, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। ओके, एक लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटपैड के अंदर यहाँ पे जो चार जो ब्लैंक स्पेसिस है, ब्लैंक सेल है, जो ये चार है और यहाँ पे ये चार है, यहाँ पे हम हमारा इंग्रेडिएंट, हमारा कंटेंट टाइप करेंगे। तो किस तरह से करना है, जैसे कि यहाँ पे मुंबई एंड दिल्ली डाला हुआ है, ओके, बड़ी सिटीज़ का नाम डाला हुआ है, तो यहाँ पे छोटे वाले में हम छोटी सिटीज़ का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल पुणे, जयपुर, ग्वालियर, लखनऊ और कौन सी सिटीज है, अहमदाबाद, थोड़ी मीन्स ओके अहमदाबाद, देन सूरत, बैंगलोर डाला है नहीं, यहाँ पे डालेंगे बैंगलोर एंड यहाँ पे डालेंगे कोजी कोडे। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा इंग्रेडिएंट डाल दिया है, तो इसे सेव कर देते हैं एंड रिफ्रेश करके देखते हैं इसका आउटपुट। 1 2 3 गो। सी फ्रेंड्स, सी दिस टेबल हाउ द आउटपुट इज कमिंग, ऑटोमेटिकली इसने अपना
हाइट वेट या व्हाटएवर जो है वो ले लिया है। हमने फिलहाल हाइट एंड वेट के ऊपर कुछ काम नहीं किया है, सॉरी हाइट एंड विड्थ, ओके सॉरी हाइट एंड विड्थ के ऊपर हमने अभी कुछ काम नहीं किया है। सो करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हम हाइट एंड विड्थ के ऊपर भी वर्कआउट करेंगे। सो सी दिस आउटपुट, हाउ वंडरफुल इट इज कमिंग प्रॉपर लीफ, ओके। इसके ऊपर हम अगर थोड़ा सा और वर्कआउट कर दें, जैसे कि टेबल के अंदर कुछ एक दो लेक्चर्स पहले, एक दो वीडियोस पहले मैंने सेल्स स्पेसिंग के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो उसे भी अगर यहाँ पे मर्ज करें, इसके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट करें, तो लेट्स सी सेल्स स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग इक्वल टू 5 दे देते हैं एंड सेल पैडिंग इक्वल टू 5 दे देते हैं। सेव, कंट्रोल सेव, ओके यहाँ पे सेव करते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं सेव एंड यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं 1 2 3 गो। सी सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग से हमारा टेबल और चेंज हो गया। सो होप आपको ये लेक्चर, आज का ये वीडियो समझ में आया है। इसकी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप उसे डाउनलोड करके सीख पाए, इसे समझ पाए कि आखिर यहाँ पे हमने क्या किया है। इट इज़ वंडरफुल वर्किंग विथ HTML। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, राइट? सो इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू बेसिक्स, न्यू अंडरस्टैंडिंग्स ऑन HTML। कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।